सुपरस्टार रजनीकांत को सुपरस्टार बनाने में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, पर ये सच्ची बात है। पहले ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ बॉलीवुड ही साउथ इंडियन सिनेमा की कॉपी करता था। पहले ऐसा था कि साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करता था। बताते हैं आपको कैसे रजनीकांत अमिताभ बच्चन की वजह से सुपरस्टार बने हैं और कैसे पहले के जमाने में साउथ इंडियन मूवीज बॉलीवुड की कॉपी करती थी। अब जाहिर सी बात है कि सबको यही लगता है कि बॉलीवुड ही साउथ इंडियन सिनेमा की कॉपी करता है, क्योंकि भाई सिंघम, दृश्यम, कबीर सिंह जैसी बहुत सारी मूवीज हैं जो बॉलीवुड ने हूबहू कॉपी की है साउथ इंडियन सिनेमा से। अब हम आपको 7 फिल्में बताएंगे अमिताभ बच्चन की जिनकी रीमेक से रजनीकांत सुपरस्टार बन गए। तो भाई 1975 की आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर मूवी दीवार, जिसका एक डायलॉग तो आने वाली जनरेशंस भी सुनेगी। मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मार। इस मूवी का रीमेक बनाया था 6 साल बाद रजनीकांत ने 1981 में, जो कि साउथ में एक सुपरहिट रहा था। फिर आई थी 1978 में एक और महा ब्लॉकबस्टर जिसका नाम था डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और 3 साल बाद 1981 में ही रजनीकांत ने बनाई बिल्ला, जो डॉन की रीमेक थी। मतलब 81 में आप सोचो, दीवार की रीमेक और डॉन की रीमेक, इसके बाद तो रजनीकांत की फैन फॉलोइंग गजब की हो गई थी साउथ में। फिर आई 1982 में अमिताभ बच्चन की खुद्दार, जिसने बॉक्स ऑफिस पे कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसी के 3 साल बाद रजनीकांत ने बनाई पडिक्का धवन नाम की मूवी, जो साउथ में तहलका मचा गई। तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस देखो, जैसे जैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का एक बेशुमार सितारा बनते गए, वैसे ही रजनीकांत साउथ में स्टार बनते गए बच्चन साहब की ही सुपरहिट मूवीज का रीमेक करके। और अब यहां सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। 1977 की ब्लॉकबस्टर अमर अकबर एंथनी का रीमेक रजनीकांत ने बनाया राम रॉबर्ट रहीम नाम से 1980 में। अमिताभ बच्चन की 1981 की लावारिस मूवी का रीमेक 9 साल बाद 1990 में बनाया रजनीकांत ने पनाककरण नाम की मूवी से, जिसने साउथ इंडियन सिनेमा में आग लगा दी थी। तो हम तो भाई डेटा दे रहे हैं आपको, एनालिसिस करना आपका काम है कि कैसे अमिताभ बच्चन की सुपरहिट मूवी से रजनीकांत ने भी नाम कमाया। इसके बावजूद अमिताभ और रजनीकांत आर थिकेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, उनकी दोस्ती काफी गहरी है। और अंधा कानून, गिरफ्तार और हम जैसी सुपरहिट मूवीज में इन दोनों सुपरस्टार्स ने साथ में भी काम किया है। तो भाई बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के एक्टर्स को साथ में काम करवा के पैसे बनाने का फॉर्मूला नया नहीं है, ये पुराना है और अब फिर से वोग में है। बाकी आप बताइए कमेंट्स में, आपको बॉलीवुड मूवीज से साउथ इंडियन मूवीज ज्यादा क्यों पसंद है।